हेलो भाइयों, मैं हूँ हरकिरत। आज मैं आप भाइयों के लिए वीडियो लेके आया हूँ एल्टो 800 की। ये भाई मैं आपको बिल्कुल ही स्टैंडर्ड मॉडल बताऊंगा मारुति आपको क्या कुछ देती है इसके अंदर। ये मतलब कि आप कह लो बस जिसके पास बजट इतना अलाउ नहीं करता ना बंदे का कि भाई लिमिटेड बजट है हमने भाई एल्टो देख लेते हैं, भाई ले सकते हो। ये जो मैं आपको गाड़ी दिखाऊँगा ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड मॉडल दिखाऊँगा। अब बात करेंगे हम इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स क्या कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम गाड़ी का फ्रंट दिखने में क्या कुछ आगे आपको मिलता है। ऐसी कुछ गाड़ी की फ्रंट है, आप देख रहे हो। ये मैं आपको पेट्रोल दिखा रहा हूँ, 800 सीसी का इंजन बताऊँगा। लास्ट मोमेंट में आपको प्राइस भी बताऊँगा आपको क्या कुछ इसका प्राइस मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं हम गाड़ी की लाइट्स। ये आपको सिंपल हैलोजन लाइट्स मिलती है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, फोग लाइट्स आपको नहीं दे रखी। ऐसी कुछ गाड़ी की ग्रिल है, बीच में सुजुकी का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगाओगे, एल्टो 800 लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर प्लेट लगेगी। ऐसा कुछ आपकी है मैचिंग। और यहाँ पे भाई आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर मिलता है। और आपको इसके अंदर टायर साइज मिलता है 145/80 R15 की, आपको इसके अंदर प्रोफाइल मिलती है, स्टील रिम मिल रहा है। और भाई थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे ये रिग्रेट हुआ, ये आपको वो मिरर है ना, ये देखो ये वाले आपको मिरर मिलेंगे। ऐसे कुछ गाड़ी के वाइपर्स है। गाड़ी की दिखने में कुछ ऐसी है, आपको दो कीज मिल रही हैं, बिल्कुल कोई भी लॉक रिमोट की आपकी है ही नहीं, मैनुअल की है आपकी। आप यहाँ से इसको फिजिकल लगाओगे इस तरह से, ये लॉक होगी अनलॉक होगी, ये आप इस तरह से खोलोगे। और ऐसी कुछ गाड़ी का आपका इंटीरियर आप देख ही रहे हो भाई। इसके अंदर आपको एक चीज़ सबसे बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, आपको इसके अंदर मिल रहे हैं पावर विंडो फ्रंट के, ये आपको पावर विंडो मिल रहे हैं भाई। वो आपके इसके अंदर ना ही म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर एसी मिल रहा है। यहाँ से एसी के आप कंट्रोल्स करोगे, मैनुअली आपको एसी मिलेगा इस तरह से। और यहाँ से आप 1000 लाइट्स ऑन करोगे, कोई भी स्टेयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, आपको एयरबैग आपको पता होगा आज के समय में मैंडेटरी कर दिए, दो आपको एयरबैग मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसा कुछ गाड़ी का ग्लब बॉक्स है, ग्लब बॉक्स भाई काफ़ी बड़ा है, स्पेस काफ़ी दे रखा है। आप कुछ इसके कागज वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इसके अंदर कैरी कर सकते हो, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं हम आपको ऊपर, यहाँ पर आपको कोई भी मिरर नहीं मिल रहा, और ना ही आपको यहाँ पर टिकट होल्डर भी नहीं दे रखा मारुति वालों ने। हेलोजन आपको यहाँ पे लाइट्स मिलेगी, हाथ के साथ आप इसको मिरर को एडजस्ट करोगे। ऐसा कुछ गाड़ी का गियर नोप है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल रहा है। और अब बात करते हैं हम गाड़ी का डोर कुछ ऐसा है, आप देख ही रहे हो। बस थोड़ा सा ये हो गया, ये आपको वैसे ही डंडी वाले है ना, ये डंडी वाले ही मिलेंगे, क्योंकि भाई आप मांगते ही क्या हो, आपको स्टैंडर्ड मॉडल में कम से कम आपको पावर विंडो तो मिलगी, इतना शुक्र मानो आपको हाथ वाले नहीं मिले। और भाई स्पीकर आपको नहीं मिल रहे इसके अंदर आपको। ऐसा कुछ गाड़ी का MID है, आप देख ही रहे हो, ये आप हाथ के साथ इसकी किलोमीटर चेंज अप कर सकते हो, रेंज वगैरह क्या कुछ दे रही है, बस ऐसा कुछ इसकी मीटर है। और बात कर लेते हैं हम गाड़ी की लाइट्स के थ्रू आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये यहाँ इस तरह से हेड लेवल्स दे रखा है, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल, यहाँ आपके लाइट्स के कंट्रोल। और भाई एक बात थोड़ी सी ये भी है, आप ना जो सा ये हैंडल है ना, ये आपका टेलीस्कोप ही नहीं है, बिल्कुल यहाँ जहाँ पे लगा हुआ है स्टील यहीं पे रहेगा, ये आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, जहाँ ही आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। बस एक बात है, आपको स्पीकर की बैचिंग दे रखी है, आप यहाँ पर स्पीकर एडजस्ट कर सकते हो, एक यहाँ पर भी दोनों खिड़कियों में। और डोर ओपनर आपके कुछ ऐसे हैं। अब बात कर लेते हैं हम पीछे गाड़ी के, पीछे क्या कुछ आपका स्पेस मिलता है गाड़ी के अंदर। ऐसा कुछ गाड़ी का पीछे स्पेस है, आप देख ही रहे हो भाई। स्पेस के मामले में कई मैंने आपको क्विड गाड़ी की वीडियो दिखाई थी, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो चैनल पे जाके क्विड की वीडियो देखना भाई। लेकिन इसकी जो सीटिंग पोजीशन है ना पीछे वाली, वो काफ़ी बढ़िया लगी। तो देखो भाई, जैसे कि क्विड के अंदर मैं बैठा ना, क्विड के अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पूरे डीप सी में एकदम से डीप में ही चले गए भाई। ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, जिसका बंदे का बजट इतना लो नहीं करता ना भाई, ये ले ले वो ले ले भाई, वैल्यू फॉर मनी अल्टो आप ले सकते हो, एक नंबर गाड़ी है। अब बात करते हैं हम पीछे डोर के ऊपर, आपको डोर क्या कुछ मिलता है। ऐसा कुछ गाड़ी का आपको डोर मिलता है, ये आप यहीं से कह रहा था मैं, देखो ये हाथ के साथ नीचे, बस ये थोड़ा सा लगता है भाई, ये थोड़ा सा दूसरे आने चाहिए थे। ना ही आपको यहाँ पे कोई भी आर्म रेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, मैनुअल हैंड ब्रेक है। गियर नोब दिखने में कुछ ऐसा है,
बात करते हैं हम गाड़ी का बूट, आपको बूट कितने लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है। गाड़ी की बैक लुक कुछ ऐसी है, आपको पीछे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। गाड़ी का एग्जॉस्ट आप देख रहे हो, ये आपको एग्जॉस्ट आपको दिखेगा, ये कुछ कैसे कह नहीं सकते, ये देखो पीछे गया ना आपको एग्जॉस्ट दिखेगा। मैनुअली आप डिग्गी अनलॉक करोगे यहाँ से, ये इस तरह से आपकी मैनुअल डिग्गी अनलॉक होगी। स्पेस मिलेगा आपको 170 लीटर का आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम गाड़ी के टायर साइज, स्पेयर टायर आपको कितने उसका मिलता है। स्पेयर टायर आपको ऐसा मिलता है 145/80R12 की प्रोफाइल मिलती है, जो कि एक टायर साइज आपको बाकी से छोटा मिलेगा। हाँ लेकिन एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना आप इसको चाबी लगा के अनलॉक कर सकते हो, लेकिन भाई इसके एक और बहुत अच्छी बात लगी, आप इसको यहाँ से भी अनलॉक कर सकते हो। ये यहाँ से देखो ये आ रहा है ना बूट का। और भाई एक बात और सबसे अच्छी बात लगी, यहाँ पे फ्यूल लीड का भी दे रखा है। पहले समय में क्या था, मृति वाले ये ना फ्यूल लीड की वाली देते थे कि चाबी से साथ आप इसको अनलॉक करो, यहाँ से आप मैं हाँ अंदर से इसको अनलॉक करोगे आप यहाँ से फ्यूल लीड खुल जाएगी, ये बहुत अच्छी बात लगी। और आप डिग्गी भी यहीं से इसकी अनलॉक कर सकते हो इस तरह से, ये मैंने अनलॉक कर दिया। अब बात कर लेते हैं हम गाड़ी का इंजन साइज, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था अल्टो 800 है, 800 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है। अब बात करते हैं हम ये इंजन दिखने में कुछ कैसा है, बात करते हैं गाड़ी का इंजन मैं दिखाता हूँ। ऐसा कुछ आपको भाई वो इंजन मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम मारुति इस इंजन को किस तरह से बेचती है। मारुति इस इंजन को दो तरह से बेचती है, एक CNG से और एक विदाउट CNG। CNG में थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि CNG में ये एक साइड बेनिफिट ये निकलता है क्योंकि ये एवरेज ज़्यादा दे देती है। अब बात कर लेते हैं ये इंजन आपको क्या कुछ पावर और टॉर्क निकालता है। बड़ी BHP पावर निकालता है और 60 Nm का ये टॉर्क निकालता है। अब बात कर लेते हैं हम इस गाड़ी की प्राइस की, आपको क्या कुछ इसके अंदर आपको मृत्यु वालों को देने पड़ेंगे और क्या इसकी प्राइसिंग लगती है। भाई मेरे को पूछेंगे भाई ये इतनी सस्ती कैसे, भाई जिनसे CHD में है उनको पड़ेगी 4.7 की, और जिनसे बंदे बाहर से प्रेफर करेंगे उनको पड़ेगी 4.70 की। क्योंकि ये भाई क्या चक्कर है प्राइसिंग का, क्योंकि जो बंदे आर्मी में जॉब करते हैं उनको तो मैंने आपको पहले रेट बताया वो उतने की पड़ेगी, और जिनसे भाई सिविलिंग है उनको पड़ेगी 4.70 की। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी CST भाई को पूछ लो, अगर वो आपको गाड़ी दवा सकता है तो आपको 4.7 की आपको शोरूम प्राइस बताया है। ये RTO वगैरह हर शोरूम की अलग अलग रहती है, हर सिटी की, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से एरिए में आप रहते हो। क्योंकि CST का मैंने आपको बताया ही था, CST वाले बंदे को हर चीज़ सस्ती ही पड़ेगी। ये अब बात कर लेते हैं हम गाड़ी की एवरेज, आपको ये अल्टो 800 क्या एवरेज निकाल के देगी। भाई कंपनी क्लेम करती है इसकी एवरेज 23 की, मेरे अकॉर्डिंग ये 20 की एवरेज आपको बड़े प्यार से निकाल के दे देगी, अगर आदमी 80 की स्पीड पे इसको चलाता है तो। भाई चलाने को सुपर फास्ट जितनी मर्जी चला ले, लेकिन ये जाएगी नहीं भाई, कंट्रोल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हल्की है ना बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगा बिल्ड क्वालिटी मारुति की कैसी रहती है। और मेरे अकॉर्डिंग ये 80-80 के लिए बढ़िया रहेगी, जो उनसे भाई कहते हैं ना भाई सिटी ड्राइव के लिए लेनी है हमने, भाई आंखें बंद करके ले लो अल्टो 800 बहुत सही चीज़ है। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि नई नई वीडियो का पता लगता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।